नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल पे। आप देख रहे हो टेक के पे चैनल और मेरा नाम है कुंदन। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि TikTok वगैरह पे काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है स्लो मोशन वीडियो, तो आप कैसे अपने मोबाइल के एडिटिंग करके उसे स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मल स्पीड को भी स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी एक एडिटिंग ऐप के जरिए से। जो कि TikTok पे स्लो मोशन वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। स्टार्टिंग में नॉर्मल स्पीड रहता है, पर बीच में स्टार्टिंग फिर एंडिंग में वो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो उसी तरह के मैं एडिटिंग आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि करके कि कैसे आप इसे आसानी से कर सकते हो। ओके दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। दोस्तों आपने जैसा कि देखा होगा TikTok पे कई सारे ऐसे स्लो मोशन वीडियो जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, काफ़ी वायरल होती हैं वो सब वीडियो और लोगों को देखने में भी अच्छा लगता है। ओके दोस्तों, चाहो तो आप इसे स्टेटस भी अपने WhatsApp में स्टेटस भी लगा सकते हो स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड करके। इसके लिए आपको वीडियो को रिकॉर्ड कर लेनी है पहले, जो सभी वीडियो को आपको स्लो मोशन में कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद आपको KineMaster ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपनी फ़ोन में। इंस्टॉल करने के बाद उसे चाहो तो आप इसे प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। देन इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको उस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको स्क्रीन का रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना है, एक्सेप्ट रेशियो क्या रखना है आपको। अब मैं आपको 16:9 रेशियो में करके दिखा देता हूँ। इसी तरह आप सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको टैप करके आप जो जिस भी वीडियो को आपको स्लो मोशन में करके TikTok पर अपलोड करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन सेलेक्ट करने के बाद उसे आप एक बार प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी स्लो मोशन में नहीं है, देख सकते हो नॉर्मल स्पीड है। देन आपको जहाँ से भी आपको स्लो मोशन में कन्वर्ट करना है आपको उस पर टैप कर देना है। वीडियो पे आपको टैप करने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि यहाँ से आपको स्लो मोशन चाहिए। उसके बाद आपको कैंची जैसा निशान दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करके आपको स्प्लिट एंड प्ले ऐड करके ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद ये वीडियो डिवाइड हो जाएगा, अलग हो जाएगा, लेकिन आपको प्ले होगा एक साथ ही। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद आपको जहाँ से आपको वीडियो को स्लो मोशन करना है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा स्पीड कंट्रोल का, उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको देख सकते हो यहाँ पे हाफ किया हुआ, मैं आपको इसको पूरा लो करके दिखा देता हूँ। जितना नीचे करोगे उतना स्लो मोशन हो जाएगा। एक बार आपको प्ले करके मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो अभी नॉर्मल स्पीड है, लेकिन आप देख सकते हो आप स्लो मोशन में ये कन्वर्ट हो गया है। काफ़ी ज़्यादा स्लो मोशन कर सकते हो इसमें आप। उसके बाद आपको जो सा भी आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाना है, सबसे पहले आपको इसका जो नॉइस साउंड है उसका पूरा कम कर दीजिएगा अपने वीडियो का, ताकि आप अपने अलग से अपना म्यूज़िक लगाकर अपलोड कर सको TikTok पे। देन आपको म्यूज़िक का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप कोई सा भी म्यूज़िक वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे पास अभी कोई ऐसा म्यूज़िक है नहीं जो मैं आपको दिखा सकूं। देन मैं आपको ये दिखा देता हूँ करके, आपको समझाने के लिए मैं आपको ये म्यूज़िक लगाकर देख सकते हैं इस तरह है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके साउंड को बैकग्राउंड के साउंड को बैकग्राउंड में क्लिक कर देनी है। देख सकते कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो को एडिटिंग करके आप इसे सिंपली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर टैप करके आप इसे वीडियो को शेयर करने की जगह इस पर शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने क्वालिटी के हिसाब से, HD में करना है या फुल HD में आपको करना है। उस तरह से आप अपने रिकॉर्ड करके आपको इसे सीधा अपने TikTok पे अपलोड कर दीजिए। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है ऐसा वीडियो। ओके दोस्तों, तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग ट्रिक वगैरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल वाले घंटी को भी दबा दीजिएगा।